फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं तंदूरी ग्रिल सैंडविच। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तंदूरी ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज का प्याज, एक शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू, थोड़े से दाने हमने कॉर्न के लिए हैं, 150 ग्राम हमने पनीर बारीक कट करके रख लिया है और 100 ग्राम चीज एकदम बारीक कद्दूकस कर ली है। यहाँ पे हमने वेज मेयोनीज ली है तंदूरी वाली और ब्रेड के स्लाइस। आइए सबसे पहले हम सब्जियों को कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी सब्जियों को एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। देखिए, शिमला मिर्च भी मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर ली है, आप चाहे तो चॉपर से भी काट सकते हैं। और कॉर्न जो हमने लिया था इसको भी मैंने एकदम बारीक कर लिया है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा कूट करके या चॉपर से इसको भी बारीक कट कर सकते हैं। आइए अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड, एक मिक्सिंग बाउल में हम पनीर के पीसेस डाल देंगे, सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, आप चाहें तो इसमें 3 कलर कैप्सिकम भी ले सकते हैं। प्याज नहीं पसंद करते हैं तो आप प्याज ना डालें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और छोटे साइज का मैंने यहाँ पे चम्मच लिया है। छोटे साइज के चम्मच से हम 3 से 4 चम्मच इसमें तंदूरी मेयोनीज भी डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को, पनीर को, चीज को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 चम्मच मेयोनीज और ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 4 स्लाइस हमने ब्रेड की ली हैं। हमने ब्रेड पे यहाँ पे बटर या चटनी नहीं लगाई है, हमने यहाँ पे तंदूरी वेज मेयोनीज ही यूज में ली है। फ्रेंड्स, 4 स्लाइस हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इसमें मिश्रण को भर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें लगा दिया है मसाला और दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप सैंडविच को टोस्टर में, तवे पे या ग्रिल सैंडविच मेकर में सेक सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रिल सैंडविच मेकर लिया है। आज हम आपको ग्रिल सैंडविच मेकर में टोस्ट तैयार करके बताते हैं। देखिए, मैं इस पे सबसे पहले घी लगा लूंगी, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, बटर घी आपकी चॉइस है। कवर कर देंगे, ऑन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लाइट दोनों ऑन हो गई हैं, सैंडविच बनके तैयार है। आइए चेक करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से सिक चुका है। आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा साइड डायरेक्शन चेंज करके रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल तैयार है सैंडविच और इसमें डिजाइन भी देखिए आप, चेक्स का डिजाइन आ गया है, लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, दूसरा टोस्ट भी बनके बिल्कुल तैयार है, हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। आइए सर्व करते हैं। सिकाई भी बहुत अच्छे से हुई है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्व भी कर दिया है और लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अब आप जब चाहें तब गर्मा गर्म तंदूरी सैंडविच बनाएं, सबको खिलाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।